यह है कि अभी जो लो प्रेशर एरिया है सेंट्रल मध्य प्रदेश ऊपर से जा रहा है और मानसून टफ लाइन जो है बीकानेर कोटा और अपने मध्य प्रदेश के ऊपर से डाल्टनगंज जो बंकुरा होते हुए हल्दिया होते हुए वेस्ट बंगाल जा रही है। और क्या बोलते हैं, इसकी वजह से आपके जो है मध्य प्रदेश में अगले 4-5 दिन जो है हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा और कहीं अति भारी वर्षा भी होने की संभावना है। और आपके जो है पूरे नर्मदापुरम में तो जो दिया गया है कि अति भारी वर्षा होने की संभावना दी गई है नर्मदापुरम में, बाकी जगह आपके जो दूसरे नर्मदापुरम का भोपाल डिवीज़न और उज्जैन डिवीज़न इंदौर डिवीज़न में भी वर्षा की गरज चमक के साथ की वर्षा की संभावना दी गई है। और अभी जो सुबह अभी जो वर्षा के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से इंदौर में जो है 54 मिलीमीटर, खरगोन में 42 और खंडवा में 67 मिलीमीटर, धार 82 और रायसेन में 23.6 मिलीमीटर, भोपाल में 32.3 और उज्जैन 34, रतलाम 27 और होशंगाबाद में 49 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और ये वर्षा का दौर अभी जारी रहेगा और मानसून ट्रफ लाइन थोड़ी सी अभी शायद ऊपर जाने की संभावना है तो वर्षा की गति भी थोड़ी कम ही होगी, मगर वर्षा जारी रहेगी आपकी।